अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे हम लोग अपना वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, उसी तरह मैं एक न्यू सब्जेक्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, आईकॉज। मोस्टली ये DIT यानी कि डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होता है उसमें ये चीज़ यूज़ होती है। तो इसको भी हम लेक्चर वाइज अपना कंटिन्यू करेंगे। तो आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं बेसिक से। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, वो आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे अपने लेक्चर नंबर 1 में। इसी तरह इसके कुछ और लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगा, तो वो भी आप देखते रहें, ताकि आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है वो आईकॉज पे है। आईकॉज की एब्रीवेशन जो होती है वो होती है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और ऑपरेटिंग सिस्टम के का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में ही थोड़ी सी मालूमात करते हैं कि होता क्या है। तो इसको आगे लेके चलते हैं इस लेक्चर को, तो एंड तक देखते रहें। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास चीज़ है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। अच्छा जी, व्हाट इज़ कंप्यूटर, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कंप्यूटर है क्या चीज़। ठीक है, उसकी डेफिनेशन हम आपके सामने लेकर आए हैं आज, कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट परफॉर्म्स प्रोसेस कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम। कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, एक मशीन है, ये डिवाइस नहीं है। मशीन और डिवाइस में फ़र्क जो है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि मशीन और डिवाइस में क्या फ़र्क होता है। बेसिकली अभी हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मशीन है ये हमारे पास, जो परफॉर्म करती है और प्रोसेस करती है कैलकुलेशंस को। ठीक है, हमारे पास परफॉर्म कर रही होती है और कैलकुलेशन कर रही होती है किस चीज़ पे, जो भी एंड ऑपरेशन और ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही होती है, जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस कौन देता है कंप्यूटर को, या तो वो हार्डवेयर देता है या तो फिर वो सॉफ्टवेयर दे रहा होता है उसको इंस्ट्रक्शंस। जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को मिलती है उसके एन मुताबिक वो अपनी प्रोसेसिंग करता है, कैलकुलेशन करता है, और उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती है उसकी बेस पे, उसकी बुनियाद पे, उसकी बना पे कर रहा होता है वो। अब ये नहीं कि अब यहाँ पे आपको मैं मिसाल देता हूँ एक, कि फॉर एग्जांपल आपको आपके पेरेंट्स कहते हैं कि आप जाएँ और फ्ला मार्केट से एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आएँ, तो आप जाएँगे वहाँ से कोल्ड ड्रिंक का पता करेंगे, आप कभी वहाँ पर बिस्किट का पता नहीं करेंगे। ठीक है, आपने क्या किया, आपके पेरेंट्स ने आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी, वो आपने परफॉर्म की। इधर भी वही हो रहा है कि कंप्यूटर क्या परफॉर्म कर रहा है, कंप्यूटर हमारे पास क्या चीज़ परफॉर्म कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर रहा है। कौन सी, जो एक हमारे हमें जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर ने उसको दी है। ठीक है, आगे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन 1640s का मैं आपको बताता हूँ कि 1640s में बेसिकली कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था। कंप्यूटर टर्म वाज फर्स्ट यूज एज अ वन हु कैलकुलेट, कि कंप्यूटर पहले क्या हुआ था, कैलकुलेटर एज अ कैलकुलेटर इन्वेंट हुआ था। ठीक है, एज अ कैलकुलेटर ईजाद हुआ था फ्रॉम 1897 था। अब इसमें क्या होता है, देखिए पहले क्या होता था कि उस टाइम पे हमारे पास काउंटिंग नहीं होती थी, 1, 2, 3, 4 इस तरह काउंटिंग हमारे पास जिस टाइम पे नहीं होती थी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करते थे लोग, के पत्थरों पे, अबैकस आप लोगों ने देखा होगा, तो उस पर वो लोग क्या करते थे, वो फॉर एग्जांपल कोई चार चेयर्स लेकर गया, वो चार पत्थर रख देते थे उसके एन मुताबिक, के एक चेयर लेकर आएगा तो एक पत्थर हट जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह पत्थर हटते जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या था, जिस टाइम पे ये कंप्यूटर इन्वेंट हुआ तो ये कैलकुलेशन बेसिकली परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, द टर्म चेंज एंड गॉट अ न्यू कंप्यूटर मीनिंग कैलकुलेटिंग मशीन। तो पहले क्या थी, कैलकुलेट के लिए वर्ड यूज़ हो रहा था, अब क्या कैलकुलेटिंग मशीन यूज़ हो रही है। अब कैलकुलेटिंग मशीन में क्या चीज़ें हैं, कि इसमें सिर्फ ये नहीं कि मैथ के कैलकुलेशंस करते हैं, इसमें आप लोगों के पास कितने MB की पिक्चर है, कितने GB की आपके पास वीडियो है, कितने GB का आपके पास सॉफ्टवेयर, उन सबको कैलकुलेट कर रहा होता है, और अपने पास जो आप लोगों के पास ड्राइव्स बनी होती है उसमें ये चीज़ स्टोर हुई होती है। फ्रॉम 1945 द टर्म इंट्रोड्यूस एज अ प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, 1945 के बाद इसको प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम दे दिया गया। 1945 के बाद क्या हुआ, जिस टाइम पे हमारे पास जो प्रोसेसर वगैरह इन्वेंट होना शुरू हुए थे, ट्रांजिस्टर्स आए थे, तो उस टाइम पे हमें कंप्यूटर का क्या नाम मिल गया था, प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी कि एक प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी कि मशीन।
ठीक है, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसका नाम दे दिया गया था। क्या तक चीज़ समझ आ गई है? उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है आगे के, इंट्रोडक्शन फंक्शनैलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर। फंक्शनैलिटीज, अब कंप्यूटर जो है उसमें क्या फंक्शंस है, वो किस तरह हमें आउटपुट दे रहा है, वो किस तरह हमें एक फाइल जनरेट करके दे रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे टेक डाटा एज इनपुट, जाहिर सी बात है आप उसको कोई कमांड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जिस तरह MS वर्ल्ड पे कोई चीज़ लिखी है, या कैलकुलेटर एक ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, कैलकुलेटर लेते हैं हम लोग, तो कैलकुलेटर में क्या करता है कि आप इनपुट देते हैं उसको डाटा। फॉर एग्जाम्पल, आपने दे दिया 2, तो वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास डाटा है। उसके बाद वो क्या करता है, स्टोर डाटा है ना, मेमोरी। आपने 2 दे दिया, उसने किधर किया, अपनी मेमोरी में टेम्परेरी स्टोर कर लिया, या परमानेंट, वो दो सूरतें होती हैं टेम्परेरी और मेमोरी की, अलग अलग है। फिलहाल हम टेम्परेरी की बात करते हैं, उसने अपने पास टेम्परेरी ये जो डाटा था वो स्टोर कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, प्रोसेस डाटा। पहले हमने उसको क्या दिया था, 2+2 फॉर एग्जाम्पल हमने उसको दिया पहले, उसने किधर किया, अपने पास मेमोरी में उस चीज़ को स्टोर किया, ठीक है, दूसरा स्टेप हो गया क्लियर। तीसरा है प्रोसेस डाटा, वो 2+2 यानी कि कैलकुलेशन करेगा, 2+2 की कैलकुलेशन करेगा। उसके बाद क्या होगा, जनरेट आउटपुट, जिस तरह हमारे पास कैलकुलेटर में होता है। आप लिखते हैं 2+2, वो अपने पास मेमोरी में स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ये विद इन आप नैनो सेकेंड हो रही होती है चीज़ें, और जनरेट क्या कर देते हैं, हमें आउटपुट दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज़ डाटा, हमने अभी पीछे पढ़ा टॉपिक अपना डाटा का, डाटा है क्या चीज़, अब उसके बारे में तो पता होना चाहिए डाटा क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स काफ़ी सारे जो होते हैं वो डाटा और इन्फॉर्मेशन में बड़ा, यानी कि जो होते हैं कि ये डाटा और इन्फॉर्मेशन एक चीज़ है, वो एक चीज़ नहीं है, वो आज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। व्हाट इज़ डाटा, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। के हमारे पास जो रॉ फैक्ट एंड फिगर्स की जो मजमू होता है उसे हम लोग डाटा कहते हैं, ठीक है। खाम चीज़ें, रॉ का मतलब होता है खाम, अनप्रिपेयर्ड, वर्ड रॉ मीन्स अनप्रिपेयर्ड एंड अनप्रोसेस्ड डाटा। रॉ का क्या मतलब है, खाम, उर्दू में कहें तो के अल्फाज रॉ जो है वो उसका मतलब ही ये है कि अनप्रिपेयर्ड और अनप्रोसेस्ड, के अनप्रिपेयर्ड होता है वो अनप्रोसेस्ड होता है। जैसे हम लोगों ने अपने पिछली स्लाइड में क्या किया था, उसको कह दिया था हम लोगों ने कि टेक डाटा एज इनपुट, इनपुट ले रहा था क्योंकि वो हमारे पास खाम है, 2+2 क्या है, हमें अभी इस टाइम पे नहीं पता, जिस टाइम तक हमें वो प्रोसेस होने के बाद आउटपुट नहीं मिलेगी। डाटा में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो और वीडियो। डाटा जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है, टेक्स्ट भी हो सकता है वो, नंबर भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, ऑडियो एंड वीडियो भी। पहले से शुरू करते हैं, देखें टेक्स्ट, टेक्स्ट कैसे हम लोग किसी को फॉर एग्जाम्पल वो लिख देते हैं, कोई एक वैसी डमी मैसेज कर देते हैं किसी को, तो उसका कोई मतलब ही नहीं, ठीक है, अगले को पता ही नहीं किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये क्या हमारे पास, ये डाटा है। उसके बाद नंबर आ जाती है, नंबर की कहानी, तो नंबर आप अगले को किसी को दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 22 31 90, उसको क्या पता है कि ये फायज़ा ब्यूटी क्रीम का कोड है, नहीं पता ना। अब आगे इमेज है, आप लोग किसी जगह की भी कोई इमेज उठा के दे देते हैं, तो ये क्या उसके लिए डाटा है, उसके बारे में उसको कोई इल्म ही नहीं है क्या चीज़ है, तो वो उसके लिए क्या जो है हमारे पास वो डाटा होगा। ऑडियो, आप किसी की कॉल रिकॉर्ड या किसी की वॉइस रिकॉर्डिंग आप उसको सेंड कर देते हैं, और वो क्या है उसके लिए डाटा, जिसका उसको इल्म ना हो, जिसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन ना रखता हो। आगे वीडियो, सेम लाइक दिस कि आप लोग वीडियो किसी को कोई ऐसी वीडियो भेज देते हैं तो जिससे उसको कोई इल्म ही ना हो या उस टॉपिक से हटके, तो वो हमारे लिए क्या होती है, खाम माल होता है, मतलब के वो डाटा होता है। आगे इन्फॉर्मेशन, अब इन्फॉर्मेशन का पढ़ते हैं, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन गिव क्लियर एंड प्रॉपर मीनिंग, ठीक है। अगली स्लाइड में आपको और चीज़ अच्छे तरीके से चीज़ समझ आ जाएगी। कहते हैं प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा, डाटा की जो प्रोसेस्ड फॉर्म होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इन्फॉर्मेशन गिव क्लियर एंड प्रॉपर मीनिंग, इन्फॉर्मेशन जो होता है हमें वो प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। कैसे, आपने अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ बताई है कि हाँ भाई ये बात है सारी, ठीक है, तो उसके बाद आपने उससे रेलिवेंट कोई मटेरियल उसको भेज दिया, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन है। क्यों इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो उसको क्या कर रहे हैं कि उस चीज़ पे रिलाई कर रहे हैं, तो उसको इस बारे में इल्म है, एक उसको क्या नाम है, जिस टाइम हम लोगों ने अभी 2+2 किया था वो उसे किसी को नहीं पता, जिस टाइम प्रोसेस होके आते हैं तो 4 आता है, तो हम लोग पता चलते हैं हाँ यार 2+2 हमारे पास 4 है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है। इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक और तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए डाटा और इन्फॉर्मेशन आपके पास ये सामने डिफरेंस इसमें श्योर है, लेकिन डाटा और इन्फॉर्मेशन में कैसे डिफरेंस श्योर होता है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ।
आप स्कूल में आपने देखा होगा कि टीचर हर सब्जेक्ट का टीचर पेपर के बाद क्लास टीचर के पास आते हैं और देते हैं कि ये इंग्लिश की लिस्ट है, इतने स्टूडेंट पास है, इतने फेल हैं, उसमें रोल नंबर 1 फेल आ रहा है, रोल नंबर 2 पास आ रहा है। तो अब ये नहीं पता कि रोल नंबर 2 सब में पास है या कि नहीं, ठीक है, और रोल नंबर 1 सब में बाकियों में पास है या कि नहीं। ये अब उसके पास डाटा है जो इंग्लिश का आया हुआ है, और इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे बनेगी जिस टाइम पे सारी इंग्लिश, उर्दू, मैथ, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारी इकट्ठी हो जाएंगी लिस्टें, डाटा बन चुका होगा, तब वो जाके हमें क्लियर प्रॉपर मीनिंग देगा। तो उसे इन दोनों में आपको अब डिफरेंस समझ आ गया होगा डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ से टॉपिक्स पढ़ते हैं, रॉ फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा, और इन्फॉर्मेशन में पढ़ते हैं तो अरेंज एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। कि हमारे पास जो होती है रॉ फैक्ट एंड फिगर्स जो कहला रहे होते हैं वो डाटा होते हैं, और अरेंज फॉर्म जो होती है वो इन्फॉर्मेशन होती है। डाटा हमारे पास मीनिंगलेस है, और यहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, मीनिंगफुल है। डाटा क्या है, डाटा इज यूज एज इनपुट, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके मुतबादिल इन्फॉर्मेशन इज आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। डाटा इज इंडिपेंडेंट एंटिटी, एंटिटी पे वो किसी हमारे पास एंटिटी पे डिपेंड कर रहा होगा। इन्फॉर्मेशन डिपेंड ऑन डाटा, अब इन्फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करता है, डाटा पे। जैसे फॉर एग्जांपल वो देता है 2 × 2, तो उसने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो किस चीज़ पे रिलाई कर रही है, जो उसने डाटा दिया है उसको, उस पे। डाटा इज द असेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर सेल, के डाटा जो हमारे पास होती है वो नॉट फॉर सेल होता है, किसी को हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं, कोई हमें क्या नाम है किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, ठीक है। तो कहते हैं इन्फॉर्मेशन इज नॉर्मली अवेलेबल फॉर सेल, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो अवेलेबल फॉर सेल होती है, ठीक है। जैसे कोई जर्नलिस्ट अपने कोई एक चीज़ पे तहकीक कर रहे हैं, ठीक है, कोई अपने पास वो अपने डाटा रख रहा है, तो वो उसमें से कोई एक पार्ट उठा के किसी को दे देगा तो वो उसके लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। लेकिन जिस टाइम वो इन्फॉर्मेशन देता है वो लोग सेल कर वो जो सब सेल करता है तो वो लोग खरीदते हैं चीज़ों को। तो आगे कहता है डाटा इज नॉर्मली ह्यूज इन साइज, डाटा जो होता है नॉर्मली वो साइज में बड़ा होता है, और इन्फॉर्मेशन इज नॉर्मली शॉर्ट इन साइज। कि डाटा जो होता है वो अब फॉर एग्जांपल हमने पेज पे लिखते रहे हैं तो काफ़ी जगहों से इकट्ठा किया, इधर का मटेरियल उधर का मटेरियल एक असाइनमेंट बनाने के लिए, तो उस पर क्या होता है वो पेजेस ज़्यादा हो गए, वो डाटा हमारे पास ज़्यादा हो गया। जब इन्फॉर्मेशन बनती है तो वो एक ही पेज पे चीज़ आ जाती है। तो यहाँ से एक छोटी सी मिसाल ही है हमारे पास, ये जो भी आपको मैंने बताई है, तो यहाँ ये हमारे पास सबसे बड़ा डिफरेंस है कि नॉर्मल ह्यूज इन साइज एंड नॉर्मली शॉर्ट इन साइज का, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस इफ़ यू आर न्यू सब्सक्राइब यू आर न्यू व्यूवर। Stay tuned with us for further videos. Allah Hafiz.